दोस्तों, रिव्यू करेंगे इस वीडियो में क्रीज एम टेबलेट के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी बीमारी में दी जाती है, इसकी डोज कितनी होती है, साइड इफेक्ट क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, सावधानी क्या है, जानेंगे सब कुछ। हो देखिए क्रीज एम एक ब्रांड नेम है एलकेम कंपनी का, एलकेम कंपनी बनाती है दोस्तों। इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ यूज नहीं की जाती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छी बात है, हर जगह मिल जाती है, ज्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता है। अगर नहीं मिले तो इस सब्स्टिट्यूट में बहुत सारे अल्टरनेट ब्रांड भी मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बात करें भाई कहाँ यूज की जाती है, तो दोस्तों ये एक एंटी एलर्जिक टेबलेट है, कई सारी एलर्जी प्रॉब्लम में काम आती है, जैसे कि कोल्ड है, कफ है, फ्लू है, व्यक्ति को जुकाम लग गया, पानी बहुत ज्यादा आ रहा है नाक से, बहुत छींकी आ रही व्यक्ति को, गले में कफ रहता है, खरखर रहती है, डिस्कम्फर्ट रहता है गले के अंदर, वहाँ अच्छा काम करती है। जुकाम की प्रॉब्लम है, नाक को खोलने के लिए, कफ की प्रॉब्लम है दोस्तों, अच्छा काम करती है। अगर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खांसी आती है, कफ है, ड्राई कफ है, वेट कफ, दोनों तरह की खांसी में काम करती है, सूखी खांसी में काम करती है, गीली खांसी में काम करती है, ब्रीथिंग को इजी करती है, अगर छाती के अंदर कफ के कारण सीटी सी बजती है, तहते की आवाज़ आती है, तो वहाँ पर भी अच्छा काम करती है, कफ को कम करती है दोस्तों। अस्थमा की प्रॉब्लम है डॉक्टर देते हैं, अगर व्यक्ति को अस्थमा है वहाँ पर भी ये दी जाती है। इनके अलावा भी कई सारी एलर्जी में काम आती है, जैसे कि आंखों से अगर पानी आ रहा है, कान में कोई दिक्कत है, तो वहाँ पर ENT स्पेशलिस्ट दे सकते हैं। अगर दोस्तों स्किन एलर्जी है, खुजली चलती है, तो वहाँ पर भी ये काम करती है, स्किन स्पेशलिस्ट दे सकते हैं स्किन इन्फेक्शन में, खुजली को कम करने के लिए, इन्फेक्शन को कम करने के लिए। बात करें किस तरह से काम करती है, तो इसके अंदर आते हैं दो सॉल्ट, पहला है लियोसेट्रिजिन 5 मिलीग्राम, दूसरा है मोंटेलुकास 10 मिलीग्राम। दोस्तों लियोसेट्रिजिन एंटी हिस्टामिन सॉल्ट है, हिस्टामिन नाम के रसायन को बनने से रोकता है, जो कि कारण बनता है कई सारी एलर्जियों का। मोंटेलुकास ल्यूकोट्रिनस नाम के रसायन को बनने से रोकता है, जो कि कारण बनता है कफ का, कोल्ड का और अस्थमा का, सांस लेने दिक्कत का, तो इस तरीके से काम करती है। बात करें इसकी डोज की, तो दोस्तों अलग अलग व्यक्ति में इसकी डोज अलग अलग हो सकती है, अलग अलग ट्रीटमेंट में अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक इसकी बहुत ही कॉमन डोज होती है कि पूरे दिन में एक टेबलेट ली जाती है, या तो दिन में लीजिएगा या रात को लीजिएगा खाने के बाद, ज़्यादातर ये रात को ली जाती है। रात को जो भी एंटी एलर्जी टेबलेट होती है अच्छा काम करती है, तो पूरे दिन में एक टेबलेट ली जाती है, कुछ केसेज में सुबह शाम भी डॉक्टर दे सकते हैं, लेकिन ये सब डॉक्टर तय करते हैं, आप अपने आप को तय नहीं करना है। बात करें भाई साइड इफेक्ट, तो देखिए थोड़ी बहुत हो सकते हैं साइड इफेक्ट, जैसे कि नींद आने में दिक्कत होना, कब्ज रहना, या पेट में दर्द होना, वोमिटिंग होना, सर दर्द होना, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये हर किसी व्यक्ति को नहीं होते, बहुत ही कम चांस में होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों। सावधानी यही कहूँगा कि डॉक्टर की सलाह से लेना, प्रेगनेंसी ब्रेस्टफीडिंग में डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा होता है, बड़े व्यक्ति के लिए आती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बच्चे के लिए नहीं आती, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यह संपूर्ण रिव्यू वीडियो के साथ आपको बताएगा, कुछ भी समझ में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं वीडियो में।